क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री रहे और पिता अभिशोर उपाध्याय जी, हमारे राज्य के विधायक और पूर्व मंत्री अभिनंदन सिंह पवार जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई विनोद भंडारी जी, भाई शक्तिलाल शाह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन सोना सरमा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजेश नौटियाल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और विश्वस्तरीय कार्यक्रम क्रियाओं के आदरणीय ज्योति प्रसाद बैरोला जी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी, जिला महामंत्री राजेंद्र जुआल जी, उदय सिंह रावत जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे विनोद सियाल जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता अभी गीता जी में सबका नाम जाता हूँ, विनोद जी से लेकर उदय संजय जी से लेकर हमारे रावत जी से लेकर सब उपस्थित थे, हमारे नाम उनका तो बहुत बड़े हुए हैं सभी मंचा सिंह हमारे अभी मैं सुभाष भाई हमारा भी राजेश का भी सबका जानता हूँ, तो सभी हमारे मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण और कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरी माताएं बहनें तो बड़ी संख्या में आई हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग उपस्थित हमारे नौजवान साथी और रास्ते रास्ते में हमारे विद्यालय के एनसीसी के स्काउट गाइड के हमारे सभी आए हुए छात्राएं और विभिन्न स्वयं सहायता समूह से आई हुई हमारी बहनें जिन्होंने अपने यहाँ पर बड़ी संख्या में स्टॉल लगाए हैं, ऐसे सभी आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले भाइयों और बहनों, हमारे मीडिया के सभी मेरे पत्रकार भाइयों छायाकार लोगों, मैं सबसे पहले तो आज उत्तराखंड के बहुत प्राचीन शहर टिहरी क्षेत्र में पूरे जनपद से पधारे सभी जनों को, सभी माताओं बहनों को, सभी आए हुए बड़े बुजुर्गों को, सबको अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ और आप सब लोगों ने पूरे रास्ते रास्ते भर आज आपने मेरा स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया, मैं भी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को बेटी बारी कुपैथिक कार्यक्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके सशक्तिकरण का और उनको उनके बनने वाले उत्पाद, उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए जहाँ विपणन के लिए उनको बाजार मिले, एक मंच मिले, इसका मेन हेतु यही है। मैं आज के इस अवसर पर राज्य निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाले, जैसा अभी अरविंद प्रेमचंद अग्रवाल जी कह रहे थे कि उत्तराखंड में हमारी मातृशक्ति का हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उत्तराखंड बनाने की बात हो, उससे पहले की बात हो या आज भी बहुत बड़ा संघर्ष हमारी माताएं बहनें करती हैं और जिन माताओं बहनों ने राज्य निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है उन सभी को भी मैं आज के इस महोत्सव में उन सबको मैं नमन करना चाहता हूँ और आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सबके विश्वास को मैं और मेरी सरकार आपके हितों की रक्षा के लिए हम सब लोग लगातार सदा सर्वदा प्रतिबद्ध रहेंगे। मेरा मानना है कि मातृशक्ति यानी कि हमारी माताओं बहनों के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में आपके योगदान को कौन भूल सकता है। हमारी माताओं बहनों ने जो चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो या रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर का कांड हो,
हम सबके जहन में हमेशा वो रहता है कि हमारी माताओं बहनों की बड़ी कुर्बानी की बदौलत हमको ये राज्य प्राप्त हुआ था। भाइयों बहनों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर बेटी बुआरी कौतिक के तहत जनपद में 415 करोड़ की कुल 160 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। ये सभी परियोजनाएं उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमारे टिहरी जनपद को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए और हमारे संकल्प को, जो हमने श्रेष्ठ उत्तराखंड का संकल्प लिया है, श्रेष्ठ टिहरी का संकल्प लिया है, उस संकल्प को सिद्ध करने में सहायक होंगी। और हमने कहा था हम जो भी योजनाएं लाएंगे सबके लिए लाएंगे, बिना भेदभाव के लाएंगे, निष्पक्ष तरीके से लाएंगे, क्योंकि हमारी राजनीति का जो आधार है वो केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं है, बल्कि ये लगातार जनता जनार्दन की सेवा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और उसमें भी सबका प्रयास, उनका एक मंत्र है। इस मंत्र को धरातल पर उतारने का काम हमारी राज्य की सरकार भी उनके मार्गदर्शन में लगातार कर रही है। कई बार लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा है, वे लोग आज तक देख सकते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है वो उत्तराखंड में हर क्षेत्र में आज विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है, विकास की गंगा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम पहाड़ से लेकर मैदान तक विकास का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना है। जब उत्तराखंड के हर क्षेत्र का विकास होगा तभी उत्तराखंड श्रेष्ठ बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत और भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना, उसमें हमको भी अपने अपने क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाकर, राज्य के अंदर हो चाहे वो जिले के अंदर हो या विकास खंडों में हो, ग्राम सभाओं में हो, न्याय पंचायत के स्तर पर, हर स्तर पर विकास के कामों को आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज बेटी बुआरी कौतिक में प्रदेश भर की महिला उद्यमियों ने जो यहाँ पर पारंपरिक जो उत्पादों पर आधारित अत्यंत ही सुंदर प्रदर्शनी तथा मनमोहक स्टॉल जो लगाए हैं, बहुत समय काफी लग रहा था लेकिन एक से एक स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि प्रदेश के विकास में हमारी जो मातृशक्ति है यानी कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनका योगदान किसी से कम नहीं है। और आज के कार्यक्रम में जो स्टॉल लगे हैं वो निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 2047 का विकसित भारत है, विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है, उसको भी परिलक्षित करता है। निश्चित रूप से हमें विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम आज जो भारत के अंदर विकसित संकल्प यात्रा चल रही है उसके माध्यम से भी जो मोदी जी की गारंटी है वो जन जन तक पहुंच रही है। भाइयों बहनों, हमारा देश महिला विकास से आगे बढ़कर आज महिला नेतृत्व की बात कर रहा है, महिलाओं की लीडरशिप आज हर क्षेत्र में हो रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो देश भर में काम हो रहे हैं वो नए भारत की शानदार तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आज बदलते हुए भारत में देश की माताओं एवं बहनों के पास आगे बढ़ने के लिए अनेकों अवसर है, एक से एक अवसर है। और मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूँ मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जब हमारी माताएं बहनें जो अपने अपने समूह के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अच्छे उत्पादों का निर्माण कर रही है, अच्छे उत्पाद उत्पादित कर रही है और कहीं कहीं पर तो उनके उत्पाद इतने अच्छे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उन कंपनियों को भी फेल करने का काम कर रही हैं और इन्हीं माताओं बहनों को बाजार मिलना चाहिए,
विपणन के रास्ते मिलने चाहिए, जो उत्पाद बनाती हैं वो आसानी से पूरी दुनिया के अंदर जानी चाहिए। उसके लिए अच्छी पैकेजिंग हो, अच्छी उसकी गुणवत्ता हो, वो पूरा ध्यान रखते हुए हमने प्रयास किया है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जब देहरादून आए थे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, उस समिट में हाउस ऑफ हिमालया यानी कि हमारे राज्य का एक बॉन्ड बनाकर पूरी दुनिया के अंदर हमने उसको आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका शुभारंभ कराया है। और आने वाले समय में एक बड़ा बाजार हमारे राज्य के लिए पूरी दुनिया के अंदर मिलने वाला है। जिस दिन से हमने ये उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों करवाया उसी दिन से तमाम लोगों की बुकिंग पूरे देश भर से आनी शुरू हो गई है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आज गांव गांव में हमारी जो मातृशक्ति है उनके घरों में शौचालय, गैस, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से उनको जोड़ा जा रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है, पूरी प्राथमिकता से काम कर रही है। आज देश भर में जितने भी स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं उनसे जुड़कर हमारी जो मातृशक्ति है वो आत्मनिर्भर बन रही है, वो आत्मनिर्भर बन रही है जहां अपना रोजगार कर रही है। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि हमारी माताओं बहनों को जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके बारे में अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था की गई, उन सभी की जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। हमारी माताएं बहनें जो समाज के अंतिम छोर में रहती हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। उनके माध्यम से वो जहां अपना रोजगार करेंगी वहीं अन्य लोगों को भी गांव के पड़ोस के जिनके पास काम नहीं है उनको काम देने का भी काम उनके माध्यम से होगा। आज देश भर में 70 लाख ऐसे स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं जिससे लगभग 8 करोड़ बहनें इससे जुड़ी हुई हैं। पिछले 6-7 वर्षों के दौरान स्वयं सहायता समूह में 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर अगर किसी के जीवन स्तर को सबसे पहले ऊपर उठाने की बात हुई है तो हमारी माताओं बहनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात हुई है। उत्तराखंड में भी हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में आज अच्छा काम किया है। ये हमारी प्रदर्शनियां भी यहाँ पर इस बात को परिलक्षित कर रही है। महिलाओं में स्वरोजगार का दायरा बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी आज मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए, मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के जीवन को जितना अधिक से अधिक ऊपर उठाया जा सके उसके लिए हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं। और इस प्रक्रिया के तहत अभी हमने नौकरियों में जो उत्तराखंड की सरकारी नौकरियां हैं उसमें 30% का आरक्षण हमने सुनिश्चित किया है। साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, इसमें 1,25,000 बहनों को हमने लखपति बनाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी योजना, नंदा गौरा मातृवंदन योजना और महिला पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की है। निकट भविष्य में भी हमारी मातृशक्ति के लिए और भी जो भी योजना उनके उत्थान के लिए जरूरी होगी उन योजनाओं को भी हम अमल में लाने वाले हैं। हम मातृशक्ति को, हमारी माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर हमारा काम आगे बढ़ रहा है। और यह हमारा जो प्रयास है ये तब तक जारी रहेगा जब तक
समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हम विकास की धारा नहीं पहुंचा सकते हैं। जब तक विकास अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को विकास से जोड़ना है, विकास की सुविधाएं उन तक पहुंचानी है, शासन और सरकार की जो सुविधाएं हैं उन तक पहुंचाने का काम करना है। मैंने जब से मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, जब से मेरे को ये दायित्व मैंने संभाला है, मेरा प्रयास रहा है कि जो भी फैसले लिए जाए, जो भी निर्णय लिए जाए, जो भी कदम उठाए जाए वो बिना देरी के उठाए जाए। उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। राज्य की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। इसको लेकर आपने देखा होगा जो भी कालखंड बीता है, उस कालखंड में हमने अनेकों निर्णय लिए, कई बार स्थितियां चुनौतीपूर्ण रही हैं, उन चुनौतियों पर भी हमने कोशिश की है कि उन चुनौतियों पर भी आप सबके आशीर्वाद से डटकर आगे बढ़ा जाए और अंत में फैसला राज्य के हित में लिया जाए। इसीलिए हमने राज्य के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मांतरण का कानून बनाया। पहली बार प्रदेश में अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए बड़ी संख्या में हजारों एकड़ों की जो जमीन थी, उस जमीन को जो लैंड जिहाद के रूप में लगातार अतिक्रमण से युक्त थी, उसको मुक्त करवाने का काम भी प्रदेश के अंदर किया है। क्योंकि पूरे देश के अंदर लोग देवभूमि को मूल स्वरूप को देखना चाहते हैं, देवभूमि का मूल स्वरूप बिगड़ना नहीं चाहिए, यह भी हमारा प्रयास है। इसके साथ साथ हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटे हैं। इसके साथ ही हमने महिलाओं का 30% आरक्षण की व्यवस्था भी प्रारंभ कर दी है। हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए जो कमेटी बनाई थी, वो कमेटी भी हमारी अपना ड्राफ्ट पूरा कर चुकी है। जल्दी ही नए साल के अंदर हमको जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा, वो ड्राफ्ट के अनुरूप सरकार उस पर भी आगे बढ़ेगी और उस पर भी वह लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हम राज्य के विकास के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज लगातार देश के अंदर वो काम हो रहे हैं जिन कामों के बारे में हमने पहले सोचना भी दूर, करना तो बहुत दूर, सोचना भी बहुत दूर की बात थी। आप सब देख रहे हैं अभी 22 जनवरी को लंबे समय से हमारी मांग थी। हम सब कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। पूरे देश के अंदर एक काम होगा। धारा 370 समाप्त हो गई है, लंबे समय से हम उसकी मांग करते थे। आज विकास की जो चीजें हैं लगातार आगे बढ़ रही हैं और इस विकास की धारा में हमारा टिहरी जनपद भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी मैं यहाँ आने से पहले कुछ मुझे जो विलंब हुआ, हमारे इस जनपद में विभिन्न विभिन्न सेक्टरों में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हमारे इन्वेस्टर थे उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी तक धरातल पर उतारने के लिए अपने एमओयू कर लिए हैं। उनको अन्य जो औपचारिकताएं हैं उनकी पूरी होगी। जल्दी हमको जो है इस जिले में भी और पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे आज बड़े निवेशकों के साथ करार हुए हैं और उस करार में उद्योग भी आने वाले, बड़े व्यापारी भी आने वाले, लेकिन हमने उनके सामने भी अपनी प्राथमिकता भी हमने रखी है। क्योंकि हमने पहले जब ये शुरू किया था तो उस समय हमें इतना विश्वास नहीं था कि इतने सारे लोग एक साथ उत्तराखंड आ जाएंगे, लेकिन जब हमने इन्वेस्टर सबमिट की तो 8 और 9 दिसंबर को पूरे दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने उत्तराखंड आकर व्यापार करने के लिए हमारे साथ एमओयू किए हैं। और हमने जो उनके सामने प्राथमिकता रखी है, हमारी प्राथमिकता है कि हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को, हमारे
भाई बहनों को जो रोजगार देने में सबसे ज्यादा पहल करेंगे, जो उनको हमारे घर में ही काम देने में अपनी इंडस्ट्री में ऐसा प्रावधान करेंगे कि जिसमें अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा, अधिक से अधिक लोगों को काम मिले, हम उनको प्राथमिकता देने वाले हैं भाई बहनों। और इस दिशा में हमने काम प्रारंभ कर दिया है, ऐसे अनेकों कामों को हम पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड हमारा दुनिया में ऐसा राज्य बने कि हर एक व्यक्ति उत्तराखंड का मॉडल अपने यहाँ भी लाए, उस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था, सबसे पहले उनके मुख से निकला था, और उनसे मुख से निकले हुए सब कोई ऐसे सामान्य शब्द नहीं थे। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो हमारे उत्तराखंड का दशक है। इस उत्तराखंड के इस सदी के इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए जहां प्रधानमंत्री जी के सब हमको प्रेरणा देते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भरते हैं, उत्साह लाते हैं, वही कहीं ना कहीं हमारे को कर्तव्य का भी बोध कराते हैं कि हमें अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। और हम सब लोग एक निष्ठ होकर, ध्येयनिष्ठ होकर, समर्पित होकर और पूर्ण मनोयोग के साथ राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। तो आप निश्चित मानिए कि जो प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं वो वैसे तो धरातल पर उतरने लगे हैं। आप देखिए, चाहे आज वेडिंग डेस्टिनेशन की उन्होंने बात की है, उसकी बुकिंग शुरू हो गई है, हम उद्योगों को लाने के लिए गए, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है इन्वेस्टमेंट के लोगों हमारे साथ उन्होंने करार कर लिया है, 4 धाम यात्रा हमारी आज 56 लाख क्रॉस कर गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हर क्षेत्र में लोग आज उत्तराखंड आना चाहते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि आने वाले समय में लोग जो बड़े बड़े हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर अपनी अपने परिवार के बच्चों का विवाह संस्कार करते हैं, उनसे उन्होंने कहा कि शादियां जो होती है वो भगवान तय करते हैं आसमान में, तो भगवान का सबसे ज्यादा स्थान कोई है तो हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। जिस तरफ चले जाइए, जिधर चले जाइए, आप देखेंगे तो कोई ना कोई देव स्थान मिलेगा, जिधर जाइए उधर कोई ना कोई डेस्टिनेशन मिलेगा। मैं जब अभी कई जगह पर गया तो लोग मुझसे पूछते थे, कि आपका कौन सा डेस्टिनेशन है, कितने डेस्टिनेशन उत्तराखंड में है। मैंने कहा आप जानते होंगे देहरादून, आप जानते होंगे नैनीताल, आप जानते होंगे हरिद्वार, आप जानते होंगे मसूरी, आप जानते होंगे धनौल्टी या ऋषिकेश। मैंने कहा कि उत्तराखंड में जिधर को आपकी नजर जाएगी वही एक नया डेस्टिनेशन होगा। इतने डेस्टिनेशन उत्तराखंड के अंदर है, तो लोग उत्तराखंड के अंदर आना चाहते हैं, हमें भी तैयार होना है। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को बधाई देते हुए हमारे जिलाधिकारी को, उनकी पूरी टीम को, यहाँ प्रशासन के लोगों को, जिन्होंने आज के इस बेटी बारी कौथी का आयोजन किया, शानदार कार्यक्रम किया, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का भी, हमारे आए हुए सभी अधिकारियों का और माताओं बहनों का विशेष रूप से, और हमारे स्कूल के बच्चों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से चार चांद लगाने का काम किया है, उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा संकल्प है, श्रेष्ठ उत्तराखंड का संकल्प, विकल्प रहित संकल्प, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें आप सबका, ये मैं जो बार बार कहता हूँ, विकल्प रहित संकल्प श्रेष्ठ उत्तराखंड, ये केवल अकेले मेरा संकल्प नहीं है। आप सब लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मेरी पार्टी की जिम्मेदारी दी है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी है, और मैं यही सोचता हूँ कि हर एक उत्तराखंड वासी का ये संकल्प है कि हम श्रेष्ठ उत्तराखंड के रूप में दुनिया भारतवर्ष के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारी गिनती हो, उसमें आप सबका आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है, निकट भविष्य में भी मिलता रहेगा। आप सबका धन्यवाद करता हूँ, सबको, अपनी माताओं बहनों को, हमारी मातृशक्ति को, बेटी बारी को।